नमस्कार, आप देख रहे हैं शान न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ ईशान। आइए देखते हैं अपने जानदार शानदार शहर मुरादाबाद की आज की प्रमुख खबरें। और आप सभी से एक निवेदन है कि कोरोना पुनः रफ्तार पकड़ रहा है, तो आप कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। मकर संक्रांति का पर्व इस बार रविवार 15 जनवरी को भी मनाया जाएगा। ज्योतिष आचार्यों का कहना है कि पंचांग के अनुसार सूर्य देव 14 जनवरी की रात 8:21 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। ऐसे में उदया तिथि के कारण 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाएगी। मकर संक्रांति का पर्व देश भर में विभिन्न तरीकों से मनाया जाता है। साल का पहला पर्व मकर संक्रांति होती है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद के निर्देशन में सड़क सुरक्षा माह के तहत काशीपुर रामनगर बस स्टैंड पर यातायात पुलिस एवं परिवहन विभाग मुरादाबाद द्वारा एक जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें वाहन चालकों एवं बस यूनियनों को यातायात नियमों तथा दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु जागरूक किया गया एवं सड़क सुरक्षा से संबंधित शपथ दिलाई गई। थाना समाधान दिवस के अवसर पर थाना भोजपुर में थाना प्रभारी संजय कुमार पांचाल व तहसीलदार द्वारा थाना भोजपुर पर फरियादियों की समस्याओं को सुना गया तथा उनकी समस्याओं के उचित गुणवत्तापूर्ण एवं शीघ्र निस्तारण हेतु संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और पूर्व में मुरादाबाद लोकसभा का चुनाव लड़ चुके इमरान प्रताप गड़ी ने ट्रेन में कारोबारी के साथ हुई मारपीट के मामले में ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर तंज कसते हुए लिखा है कि उन्होंने एक दिन पहले ही कहा था कि मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन ट्रेन में हुई घटना से भाजपा का दोहरा चरित्र सामने आया है। सैनिटरी नैपकिन इंसिनरेटर मशीन जल्द ही बेसिक के बालिका विद्यालयों में लगेगी। कंपनी की ओर से विकास भवन में कंपनी के प्रतिनिधियों ने सीडीओ के समक्ष डेमो दिया। मशीन के प्रदर्शन से संतुष्ट होने पर उन्होंने बीएसए को इस मशीन की खरीदारी की औपचारिकताएं पूरी कराने के निर्देश दिए। साथ ही बीएसए को स्पष्ट निर्देश दिए कि हर हाल में हर मशीन को विद्यालय में भेजने से पहले भली भांति चेक कराने के बाद ही भेजा जाए। आज जिला और महानगर समाजवादी पार्टी के संयुक्त तत्वाधान में पार्टी कार्यालय पर स्नातक एमएलसी चुनाव को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता निवर्तमान जिला अध्यक्ष डीपी यादव तथा संचालन कुलदीप तुरेहा एडवोकेट ने किया। महानगर अध्यक्ष शान अली शानू ने अपने संबोधन में कहा कि महानगर संगठन को जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी, एक एक कार्यकर्ता उसे ईमानदारी के साथ सपा प्रत्याशी को जिताने में पुरजोर कोशिश करेगा। इस मौके पर सपा के कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। शहरी क्षेत्र में नियमित टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के लिए सत्र बदलाव किया गया है। शनिवार से महिला अस्पताल के एमसीएच विंग और सभी 26 अर्बन पीएचसी में 6 दिन सोमवार को छोड़कर गर्भवतियों और 5 साल के बच्चों का नियमित टीकाकरण किया जाएगा। पहले सिर्फ 2 दिन ही नियमित टीकाकरण होता था। थाना सिविलाइन में थाना समाधान दिवस के चलते जन शिकायत सुनवाई का काम इंस्पेक्टर सिविलाइन गजेंद्र सिंह एसएसआई देवेंद्र सिंह द्वारा किया गया। थाना सिविलाइन में आयोजित किए गए थाना समाधान दिवस पर आज दर्जन भर से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें अधिकतर शिकायतें जमीनी विवाद की थीं। महिला थाने और थाना सिविलाइंस के तिराहे पर आज दोपहर दो पक्षों के बीच आपस में जबरदस्त मारपीट हो गई, जिसमें दोनों पक्षों की महिलाएं भी एक दूसरे पर वार करने से बाज नहीं आईं। बाद में राह चलते लोगों ने दोनों पक्षों को पकड़कर अलग किया। दोनों पक्ष आपस में रिश्तेदार बताए जाते हैं। परिवर्तन दी चेंज के सदस्यों ने आज सिविलाइन स्थित अंबेडकर पार्क पर हाथों में तख्ती लिए रक्तदान की लोगों से अपील की। परिवर्तन दी चेंज के सदस्य ने कहा कि डेंगू या और भी किसी बीमारी में लोगों को ब्लड की जरूरत पड़ती है, तो हमारी लोगों से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा ब्लड डोनेट करें ताकि किसी जरूरतमंद व्यक्ति की जान बच सके।